हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशालिपिस चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, उससे आपके लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ब्रेड चाट, ये बहुत ही यामी एंड टेस्टी रेसिपी है और झट से भी बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट मैंने यहाँ पे स्वीट पोटैटो ब्रेड यूज किया है, आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। और मुझे चाहिए यहाँ पे 1 साइज लेमन, मैंने छोटा सा अनियन को स्लाइस कर लिया है, ग्रीन चिली को भी स्लाइस कर लिया है और कोरिएंडर लीव्स को भी चॉप कर लिया है। 1 बिग पोटैटो को मैंने छोटे पीसेस कट करके मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। और मैंने यहाँ पे काला चना और मटर को मैंने 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। और ये है सारे सूखे मसाले, इसमें है काला नमक और सेकेंड है यह है चाट मसाला, आमचूर पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। ये है रेड चिली पाउडर, आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना ही लीजिए। और ये है इमली का पल्प, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी डाल दिया है और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया है। ये है धनिया की चटनी, जिसको मैंने 2 ग्रीन चिली डाल के 1 क्लोव्स गार्लिक डाल के मैंने एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लिया है। यह है दही, दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, मैंने थोड़ा सा ही दही यूज किया है। और मुझे चाहिए यहाँ पे ये जो शिमुई मिलता है, जिसको हम लोग चनाचूर कहते हैं, वो चाहिए। जितना आप खाना पसंद करती है वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए काम आएगा। सबसे पहले मुझे इस ब्रेड को टोस्ट करना है। टोस्ट करूंगी, आप फ्राइंग पैन में, सैंडविच मेकर में भी टोस्ट कर सकते हैं, मगर मैं एयर फ्रायर में टोस्ट करूंगी। एयर फ्रायर में टाइम बहुत कम लगता है और बहुत ही अच्छा टोस्ट होता है। मैं अराउंड 400 डिग्री फारेनहाइट में 3 मिनट के लिए टोस्ट करूंगी, फिर पलट के और 3 मिनट के लिए दूंगी। टोटल 6 मिनट के लिए हम इसको टोस्ट कर लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची बनता है ये टोस्ट, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद बहुत ही अच्छा क्रंची एक टोस्ट बनके रेडी हो गया है। अभी इसको मैं चाट में यूज करूंगी। इस ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी, एकदम छोटे छोटे पीसेस में। ये दिखने में और खाने में बहुत ही मजेदार होगा। मैं यहाँ पे 2 ब्रेड यूज किया है, आप चाहिए तो 4 ब्रेड भी यूज कर सकते है। ये देखिए लिया है, ब्रेड एकदम रेडी है। बोल ले लेंगे और मिक्सिंग बोल के अंदर हम डाल देंगे बॉयल पोटैटो। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का पोटैटो यूज किया है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे वो काले चने एंड मटर को मैंने जो बॉयल करके रखा था, मैंने 2 बिग स्पून अराउंड ले लिया है। और इसके अंदर हम डाल देंगे अभी चॉप्ड अनियन, मैंने फाइनली चॉप किया है, ग्रीन चिली और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स मैंने फाइनली चॉप किया है। फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम एक एक करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे, मसाला को ऐड करेंगे। ब्लैक सॉल्ट हम डालेंगे, जितना आप सॉल्ट खाना पसंद करते हैं आप टेस्ट टू सॉल्ट आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए। फिर उसके अंदर आप ऐड कीजिए रेड चिली पाउडर, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उतना ही आप ऐड कीजिए। और चाहिए चाट मसाला, आप इसके जगह अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। फिर इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर अभी हम डालेंगे जो इमली का पल्प, मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स एंड गुड़ डाल के रखा था, वो हम थोड़ा सा डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। गुड़ डालने से इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। बहुत ही अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे वो ब्रेड जो मैंने टोस्ट करके स्लाइस करके रखा था, ये एकदम लास्ट में डालेंगे, जब हम सर्व करेंगे उसी टाइम ही डालेंगे, नहीं तो ये टोस्ट का जो क्रंचीनेस है वो नहीं तो चला जाएगा। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
अभी हम इसको रख देंगे। बोल और प्लेट कोई भी हो, आप उसके ऊपर वो जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो आप डाल दीजिए, जितना आप सर्व करना पसंद करते हैं उतना ही। याद रखिए, ब्रेड तभी ऐड कीजिए जब आप सर्व करेंगे, पहले ऐड बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा तो ये खाने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छी तरह से जितना आप देना चाहते हैं एक प्लेट में उतना आप दे दीजिए एक प्लेट के अंदर। अच्छी तरह से ब्रेड को ऊपर में स्प्रेड कर दीजिए और फिर उसके अंदर अभी हम डालेंगे दही, जो मैंने अच्छी तरह से फेंट के रखा था वो दही हम थोड़ा सा इसके ऊपर दे देंगे। इससे खट्टा टेस्ट आएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इसका कोई माप नहीं है, जितना आप पसंद करते हैं उतना ही आप ऐड कीजिए। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा जो इमली का पल्प मैंने रखा था वो हम डाल देंगे। आप जितना खट्टाई पसंद करते हैं उतना आप डाल दीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आएगा। फिर थोड़ा सा नींबू का रस हम इसके ऊपर दे देंगे, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए। और फिर से हम इसके ऊपर डाल देंगे ये धनिया का चटनी जो मैंने घर पे बनाया था वो हम डाल देंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। जिसको धनिया का टेस्ट अच्छा नहीं लगता वो स्किप भी कर सकता है। फिर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा आमचूर या चाट मसाला, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए और आप डालिए थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। और ये जो सुईमुई मैंने रखा था शेव, इसको मिक्स करके हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अच्छी तरह से डेकोरेशन कर देंगे। ये एकदम रेडी है, आपको देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा टेस्टी फ्लेवर लाता है। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये घर में बना है तो हाइजीनिक तो ज़रूर है। मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो एक बिग लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको लेके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। ट्राई करते हैं उसका पिक्चर ज़रूर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में सेंड कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।